नमस्कार, मैं हूँ इसके मौर। आप देख रहे हैं हिंद सेवन न्यूज। खबर प्रयागराज जनपद के यमुना पार क्षेत्र बारा से, जहां सांसद रेवती रमण सिंह ने सपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने की अपील, सरकार बनाने का किया दावा। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज के यमुना पार बारा विधानसभा से सपा प्रत्याशी अजय भारती के समर्थन में सिराजपुर स्थित केशव वाटिका में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता व सांसद रेवती रमण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए दो चरण के चुनाव के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। सूबे की जनता ने सत्ताधारी भाजपा को पूरी तरीके से नकार दिया है। आगामी 10 मार्च को अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि दो चरण के चुनाव में 75 से 80 सीट सपा गठबंधन को मिलने जा रही है। कहा कि मोदी और योगी सरकार की तानाशाही और दमनकारी नीतियों से समाज का हर वर्ग उब गया है। कब तक किसान, व्यापारी और बेरोजगारों की भावनाओं से खेला जाएगा? खेती किसानी से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। मौजूदा सरकार जुमलेबाजी में व्यस्त है। आगे कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूर्ण किया जाएगा। इस मौके पर एमएलसी वासुदेव यादव, ब्लॉक प्रमुख इंद्रनाथ, द्वारिका सिंह पटेल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद सेवन न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।